नमस्कार, मैं रामनायक यादव यूनिक क्लास लखनऊ में आपका स्वागत करता हूं। आज से यूनिक क्लास लखनऊ के द्वारा यूपी टेट जो कि 22 दिसंबर को प्रस्तावित है उसको ध्यान में रखते हुए इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। जनरली क्या होता है कि कोचिंग्स में इंग्लिश में पहले रूल्स बताए जाते हैं उसके बाद एक्सरसाइज कराई जाती, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उसका उल्टा होगा। हम एक्सरसाइज के माध्यम से रूल्स बताएँगे। जैसे लास्ट ईयर मेरा वन ईयर का एक्सपीरियंस है यूपी टेट में इंग्लिश पढ़ाने का, तो वहाँ मैंने यही पाया कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है ताकि उनके रूल्स क्लियर हों। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हैं आज यूनिक क्लासेस द्वारा जो यूपी टेट इंग्लिश में पहला लेक्चर है आर्टिकल से रिलेटेड हम एक्सरसाइज कराएँगे और एक्सरसाइज के ही माध्यम से हम रूल्स को क्लियर करेंगे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, यस्टरडे आई सा फिल्म द ब्लैंक्स यूरोपियन राइडिंग ऑन फिल्म द ब्लैंक्स एलिफेंट। ये लास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पे क्या भरना है, या तो ए भरना है या एन भरना है या द या फिर नो आर्टिकल। अब यूरोपियन के पहले हमें ए भरे या एन भरे ये देखना है। तो रूल्स होता है कि हम उन शब्दों के पहले ए का प्रयोग करते हैं जिनकी ध्वनि व्यंजन से स्टार्ट होती है, वो भी हिंदी के व्यंजन, जैसे का खागा। तो यूरोपियन को देखिए, यूरोपियन में पहला साउंड किसका आ रहा है, या का। या क्या होता है, हिंदी का व्यंजन होता है। तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, जबकि ये स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश के वॉवल से। वॉवल का रूल ना होके क्या है, स्वर यानी साउंड का रूल है, वो भी हिंदी का। तो आ यूरोपियन होगा। एलिफेंट में पहली ध्वनि किसकी आ रही, आ ए की, यानी हिंदी का स्वर है, इसलिए क्या आएगा, एन आएगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन, जैसे एम ए, जैसे सी इज ए एम ए होगा कि एन एम ए होगा। तो एम ए के पहले ध्वनि क्या है, ए, यहाँ भी क्या होगा, एन एम ए। इसी तरह बी ए में बा है तो ए होगा। इसी तरह यूनिट, यूनिट का पहला साउंड क्या है, या, तो इसके पहले ए आएगा। ऑनेस्ट मैन एच से स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश के वावल के अकॉर्डिंग, लेकिन ध्वनि किसकी है, हिंदी के वॉवल, इसके लिए क्या आएगा, एन। जैसे सी इज एन ऑनेस्ट मैन, आर, इसे हावर न पढ़ के क्या पढ़ते हैं, आर, तो हिंदी का आ आया यानी एन आया। जैसे आई मेट हिम एन आर एगो। अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूनिक बुक। अब यूनिक के पहले हम क्या लगाएंगे, तो स्वर देखिए या का आया, इसलिए हम पहले क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। और ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया था और पूछा गया था यूनिक क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो यूनिक क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स आयरन इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजफुल मेटल। अब देखिए, आयरन जो है ये आपकी मटेरियल नाउन है। रूल्स ये होता है कि मटेरियल नाउन के पहले हम किसी भी प्रकार का आर्टिकल का उपयोग नहीं करते, तो यहाँ पर आयरन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। अगला शब्द है यूजफुल, यूजफुल फ्री किसकी ध्वनि है, या की, तो क्या आएगा, आ लगेगा। जनरली क्या होता है, यूपी टेट के एग्जाम में अक्सर उन शब्दों को दिया जाता है जो वावल से, इंग्लिश के वावल से स्टार्ट तो होते हैं लेकिन उनकी ध्वनि हिंदी के व्यंजन की होती है, और उन्हीं के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, और मैक्सिमम जो वर्ड हैं वो यू से स्टार्ट होते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्ड ऑफ चाइना इज चीप। अब यहाँ पे देखिए, इसी नियम का अपवाद है कि मटेरियल नाउन के पहले हम किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अगर दो नाउन किससे जुड़े हों, ऑफ से जुड़े हों, जैसे रूल है कि नाउन हो, ऑफ हो और नाउन हो, ठीक है, तो इस सिचुएशन में पहले नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, चाहे ए का प्रयोग होगा या एन का या द का। तो यहाँ देखिए, नाउन ऑफ नाउन, गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन, चाइना क्या है, प्रॉपर नाउन, दो नाउन ऑफ से जुड़े हैं इसलिए पहले नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर आर्टिकल द लगाया जाएगा, द गोल्ड ऑफ चाइना इज चीप। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टी आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। अब यहाँ पे देखिए, टी भी क्या है, मटेरियल नाउन है, जैसे हम कहें आई लाइक टी होगा, तो टी के पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, टी आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, यानी यहाँ पर एक विशेष टी की बात की जा रही, तो वो टी जिसे हम पी रहा हूँ वो क्या है, हॉट है, तो यहाँ पे द टी होगा, तो द टी इज, द टी आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट होगा। अगर ये क्वेश्चन होता है आई लाइक फिल इन द ब्लैंक्स टी, तो वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होगा,
लेकिन इस सिचुएशन में एक निश्चित चाय के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए द होगा। अगला देखिए, आई प्रेज फिल इन द ब्लैंक ऑनेस्टी ऑफ द बॉय। ऑनेस्टी फिर क्या, कैसी नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक अगेन रूल है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी हम किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। लेकिन जैसे आपने सुना होगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वहाँ पर ऑनेस्टी के पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में फिर वही रूल है, नाउन ऑफ नाउन, एक नाउन क्या है बॉय, दूसरा नाउन क्या है ऑनेस्टी, दोनों किससे जुड़े हैं, ऑफ से जुड़े हैं, तो पहले आर्टिकल से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करना करेंगे, तो कौन सा आर्टिकल होगा, द। आई प्रेज द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, ठीक है। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक ताजमहल इज वन ऑफ फिल इन द ब्लैंक बेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। तो अगला रूल फिर है कि जितने भी स्मारक हैं उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो ताजमहल क्या है, स्मारक है, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, इमामबाड़ा हो गया, तो इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो द ताजमहल होगा, द रेड फोर्ट होगा, द कुतुब मीनार होगा, द इमामबाड़ा होगा। तो इसी नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे द ताजमहल होगा। फिर अगला रूल आता है, ये लिखा है बेस्ट, अगला रूल आता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हाई, हायर, हाईएस्ट, हाईएस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। जनरली जिस शब्द के अंदर में ईएसटी आता है वो सुपरलेटिव होते हैं। तो बेस्ट क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हमने सीखा क्वेश्चन नंबर 7 में कि जितने भी स्मारक हैं उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसके पहले हमने सीखा था कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन एक विशेष कंडीशन में अगर मटेरियल नाउन इस स्ट्रक्चर में है, नाउन ऑफ नाउन, तो पहले नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इस नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि नाउन क्या है। जैसे एग्जाम्पल हो कि वी डिपेंड ऑन वाटर, तो वाटर भी अगेन मटेरियल नाउन है, तो हम किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, होगा वी डिपेंड ऑन वाटर। लेकिन अगर ये हो कि वो फिल इन द ब्लैंक्स वाटर ऑफ द गंगा इज प्योर, तो यहाँ पे अगला नियम ये भी है कि नदियों के नाम के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ होगा द वाटर ऑफ द गंगा इज प्योर, राइट। तो अगला नियम यह है कि नदियों जितने भी रिवर्स हैं उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे इसलिए होगा द गंगा, द यमुना, etc. अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये, फिल इन द ब्लैंक्स हायर यू गो, फिल इन द ब्लैंक कूलर इट इज। तो किसके पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, हायर, हायर क्या होता है, हाई की कंपेरेटिव डिग्री, हाई, हायर, हाईएस्ट, उसी तरह कूल, कूलर, कूलेस्ट। तो अगला रूल ये है कि कंपेरेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है, लेकिन किस कंडीशन में, अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो तब हम करेंगे, यानी कंपेरिजन किया जाए तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो दोनों जगह आर्टिकल द होगा, द हायर यू गो, द कूलर इट इज, राइट। अगला देखिए, फिर मोर के पहले फिल इन द ब्लैंक, फिर मोर के, अब मोर क्या है आपका, होता है मच, मोर, मोस्ट। मच होता है पास्ट डिग्री, मोर होता कंपेरेटिव, मोस्ट इसी तरह होता है मेनी, मोर, मोस्ट। तो मोर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री, तो इस कंडीशन में भी कंपेरेटिव डिग्री पे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, तो होगा द मोर यू लेबर, द मोर यू अर्न। जनरली कंपेरेटिव डिग्री के पहले नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य करेंगे। अगला रूल देखिए, लिखा आई हैव रेड फिल इन द ब्लैंक फर्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक सेकेंड चैप्टर ऑफ फिल इन द ब्लैंक गीता। तो अगला रूल आर्टिकल द का है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनको बोला जाता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर मतलब होता है ऑर्डर बताने वाले, तो ऐसे शब्दों के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव रेड द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर ऑफ। अब गीता एक विशेष पुस्तक है, गीता क्या है, हिंदुओं की रिलीजियस बुक है। तो जितनी भी रिलीजियस बुक हैं, जैसे गीता हुआ, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, कुरान हुआ, बाइबल हुआ, इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे होगा द गीता, देखिए अगला एग्जांपल द बाइबल, द महाभारत और द रामायण,
तो जितने भी रिलीजियस टेक्स हैं, बुक्स हैं, उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसी हमने सीखा कि ऑर्डिनल नंबर जो हमें ऑर्डर बताते हैं उनके पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसके पहले हमने सीखा कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर रूल था कि स्मारक जितने हैं उनके नाम के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और उसके पहले हमने ये सीखा था कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर मटेरियल नाउन या फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर को फॉलो करती है तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग अवश्य करें। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये अपवाद है किसका, रिलीजियस बुक का। अगला रूल है कि अगर रिलीजियस बुक के पहले उसके राइटर का नाम लिखा है तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे रामायण किसने लिखी है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, तो लिखा है कि वाल्मीकि इज रामायण इज फिल इन द ब्लैंक्स होली बुक, तो यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे रामचरितमानस किसने लिखी है, तुलसीदास, अगर होता तुलसीदास रामचरितमानस तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और यहाँ पे होगा आ होली बुक, यानी वाल्मीकि की जो रामायण है एक पवित्र पुस्तक है। अगला देखिए, अगला वर्ड है पियानो, ठीक है। पियानो क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे पियानो हुआ, गिटार हुआ, हारमोनियम हुआ, तबला हुआ। तो अगला रूल फिर है आर्टिकल द का कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पियानो इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी पियानो एक वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर हमने फिर क्वेश्चन नंबर 12 में रूल सीखा कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगला रूल देखिए, सी इज फिल इन द ब्लैंक बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। अब बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है किसकी, गुड बेटर बेस्ट। अगर स्ट्रक्चर ऐसा हो कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ हो, ऑफ द टू का प्रयोग हो, ऑफ द टू का प्रयोग हो, उसके बाद नाउन हो, तब हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स होगा, तो यहाँ भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो दो हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में दो जगहों पे हम करते हैं, एक अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, दूसरा ऑफ द टू लिखा है उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 फिल इन द ब्लैंक्स एवरेस्ट लिखा है और फिर यहाँ पे हाईएस्ट है और यहाँ पे वर्ड है, तीन जगह पे हमें आर्टिकल भरना है। तो अगला रूल होता है, एवरेस्ट क्या है, पर्वत चोटी, तो जितनी भी पर्वत चोटी हैं उनके पहले हम किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो एवरेस्ट के पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आता रहता है। तो कभी भी द एवरेस्ट नहीं होता, कभी भी आ एवरेस्ट नहीं होगा, केवल क्या होगा, एवरेस्ट। फिर अगेन देखिए, ये क्या, हाईएस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या है आपकी, हाई की सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो द हाईएस्ट होगा। आगे लिखा है वर्ड, तो वर्ड के पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ऐसे मिलते जुलते वर्ड कौन है, द स्काई होता है, द मून होता है, ठीक है, द यूनिवर्स होता है, द कंट्री होता है, उसके पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो द वर्ल्ड होगा, द स्काई होगा, द कंट्री होगा, द यूनिवर्स होगा। अगला क्वेश्चन है, देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स कालिदास इन माई क्लास, इसका हिंदी अर्थ होगा मेरे क्लास में कालिदास हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कालिदास हैं, कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो कालिदास की तरह है, तो उसकी तुलना कालिदास से की जा रही है। तो ऐसे, अब कालिदास क्या है, प्रॉपर नाउन है। फिर रूल होता है कि प्रॉपर नाउन के पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। प्रॉपर नाउन में क्या आता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम या किसी पर्टिकुलर वस्तु का नाम। तो लेकिन इस केस में चूँकि कालिदास नहीं है, यहाँ पे कालिदास के गुणों की तरह किसी की तुलना की जा रही, तो होगा देयर इज अ कालिदास इन माई क्लास। जैसे कहा जाए देयर इज अ तेंदुलकर इन माई टीम, यानी कोई एक ऐसा प्लेयर है जो तेंदुलकर की तरह खेलता है, तो उस केस में हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और किसका करेंगे, आ का। अगला क्वेश्चन देखिए, शेक्सपियर इज फिल इन द ब्लैंक कालिदास ऑफ इंग्लैंड। अब देखिए कालिदास क्या है, प्रॉपर नाउन, इंग्लैंड क्या है, प्रॉपर नाउन, दोनों किससे जुड़े हैं, ऑफ से। फिर वही रूल, नाउन ऑफ नाउन, अगर नाउन ऑफ नाउन है तो पहले नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग
करेंगे, तो हो जाएगा शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। ये फेमस क्वेश्चन, सभी लोग इसे जानते होंगे। इसी तरह अगर ये तो नेम है, इसी तरह कहा जाए कि दिल्ली इज द लंदन ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द लंदन ऑफ इंडिया। दूसरा एग्जाम्पल इसी हो सकता है, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड और इंडिया है, इसके पहले लगेगा, राइट। तो ये भी नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर फॉलो किया है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि ए का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, ऐसे शब्दों के पहले जिनकी स्टार्टिंग व्यंजन की ध्वनि है, और एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ऐसे शब्दों के पहले जिनकी स्टार्टिंग वॉवल की ध्वनि होती है, ठीक है। दूसरा रूल हमने क्या सीखा कि मटेरियल नाउन के पहले और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं तो पहले नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो उसी के आधार पर क्वेश्चन था। तीसरा हमने देखा ताजमहल, यानी जितने भी स्मारक हैं उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर हमने देखा बेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर हमने देखा अगला एग्जाम्पल, कंपरेटिव डिग्री के पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं अगर वो इन दो स्ट्रक्चरों को फॉलो करती है। अगला हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर, और 1, 2, 3 को बोला जाता है ऑर्डिनल नंबर। तो जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर हमने देखा गीता यानी रिलीजियस बुक, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। धार्मिक पुस्तकों में एक अपवाद है कि अगर धार्मिक पुस्तकों के पहले उनके राइटर का नाम लिखा है तो उस केस में हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद एवरेस्ट है जो कि फेमस है, एवरेस्ट के पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद वर्ल्ड आया, तो वर्ल्ड के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इससे मिलते जुलते शब्द हैं द स्काई, द वर्ल्ड, द मून, राइट। अगला हमने देखा कि प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन में किसी की तुलना की जा रही तो वहाँ पर हम करेंगे, देयर इज अ कालिदास इन माई क्लास। फिर अगेन अगर नाउन ऑफ नाउन है तो उसके पहले हम पहले आर्टिकल के पहले हम आर्टिकल पहले मतलब नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अभी इस पे और बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे रूल हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके और भी एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू क्लास।